खबर राजस्थान के जयपुर से है। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में हुए एसएसपी के ऐतिहासिक महाकुंभ में वीरवार को गुरुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, जिसे देखकर महाकुंभ में पधारे कैबिनेट मंत्री यूनिस खान भी बताए जा रहे हैं कि दंग रह गए। हालांकि एसएसपी सुप्रीमो अनिल के मार्गदर्शन में भव्य और विशाल पंडाल बनाया गया था, किंतु शिक्षाविदों की संख्या के सामने पंडाल छोटा नजर आने लगा। चारों ओर निजी स्कूल के शिक्षक ही शिक्षक नजर आ रहे थे। एक आंकलन अनुसार करीब 1,00,000 के लगभग एसएसपी कार्यकर्ता इस महाकुंभ में पहुंचे थे। यह तस्वीरें उसी महाकुंभ की है, जहां तस्वीरों से साफ नजर आता है कि कितने लोग जो है, कितने शिक्षक जो है वो वहां पहुंचे थे। हालांकि स्कूल शिक्षा परिवार के आयोजन से पूर्व इंद्र देवता ने रिमझिम बारिश से कार्यक्रम में खलल डालने की भी कोशिश की, किंतु एसएसपी सुप्रीमो अनिल शर्मा की मंच के सामने चहलकदमी और शिक्षाविदों के हौसलों को देखकर आखिरकार बारिश भी ने एसएसपी को खुलकर कार्यक्रम करने की हरी झंडी दे दी, जिससे निर्धारित समय पर कार्यक्रम शुरू हो गया। आपको बता दें, इस महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य निजी स्कूलों के सामने खड़ी की जा रही समस्याओं पर विचार विमर्श करना था। कार्यक्रम के उद्घाटन की औपचारिक रस्मों के बाद स्कूल शिक्षा परिवार के उदय और परवान तक पहुंचने के सफर को दर्शाती हुई डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, जो चित्तौड़गढ़ के विनोद चौधरी द्वारा निर्मित की गई थी। इस महाकुंभ में प्रदेशाध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि हम सरकार से ज़्यादा कुछ नहीं मांगते। सरकार जो सुविधा व लाभ राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को देती है, वही निजी स्कूलों को भी दे। उनका इशारा राज्य के स्कूलों के बच्चों को मिल रही किस तरीके की सुविधाओं की ओर था। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मियों को मेडिकल पेंशन इत्यादि सुविधा देती है, वह निजी कर्मियों को भी मुहैया करवावे। उन्होंने चेतावनी दी कि बच्चों को सरकारी और गैर सरकारी के रूप में देखना छोड़ दें, अन्यथा नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। हर जिले में बैठे एसएसपी के सदस्य आने वाले चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। इस महाकुंभ में समस्त जिलों के जिलाध्यक्ष, प्रभारी कार्यकर्ता अपने निजी वाहनों के अलावा रेल मार्ग व सड़क मार्ग से भी यहाँ पहुँचे थे। ये तस्वीरें उसी समय की है जब महाकुंभ जारी था।